2024 में बॉलीवुड का गणित बिगाड़ने आ रही हैं साउथ सुपरस्टार्स की ये सात जाबड़ फिल्में। साल का आखिरी महीना चल रहा है। ये साल बॉलीवुड के कुछ सितारों के लिए बेहतरीन साबित हुआ। 2023 में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने जबरदस्त कमाई भी की। एनिमल से लेकर जवान, पठान और गदर दो फीट ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की, लेकिन 2024 में रिलीज होने वाली साउथ की ये फिल्में बॉलीवुड को सामने चुनौती पेश करने वाली हैं। साउथ की फिल्मों को दर्शकों का बहुत प्यार मिलता है। RRR, पुष्पा और KGF इसका जीता जागता उदाहरण है। अब नए साल में भी फैंस को अपने अपने चहेते सुपरस्टार की फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। साथ ही स्टार्स भी अपनी फिल्मों के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें रजनीकांत, महेश बाबू से लेकर प्रभास तक की फिल्में साल 2024 में रिलीज होने वाली हैं। कौन सी हैं ये फिल्में, इनमें क्या खास है, आइए बताते हैं। नंबर आर, गुंटूर करम साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर करम 12 जनवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन का त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है। फिल्म में महेश बाबू के अलावा पूजा हेगड़े और श्रीलीला मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। महेश बाबू की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। फैंस उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बता दें कि इस फिल्म के टीजर को महेश बाबू ने अपने पिता के जन्मदिन पर रिलीज किया था। फिल्म की कहानी के लीक होने की अफवाहें भी खूब उड़ी थीं, लेकिन मेकर्स ने कहानी को अब तक गुप्त रखा है। दो, लाल सलाम। जेलर के बाद अब रजनीकांत लाल सलाम में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है। इसका निर्देशन ऐश्वर्या रजनीकांत ने किया है। इस फिल्म में क्रिकेटर कपिल देव का भी कैमियो है। फिल्म में AR रहमान का म्यूजिक है। फिल्म के किरदारों की बात की जाए तो इसमें विक्रांत, निरोशा राधा, विष्णु विशाल, थंबी दिखाई देंगे। नंबर तीन, तंगलान पा। रंजीत के निर्देशन में बनी फिल्म तंगलान 26 जनवरी 2024 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में मुख्य भूमिका में चियां विक्रम नजर आएंगे। विक्रम ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में विक्रम का खतरनाक लुक नजर आ रहा है। विक्रम के अलावा इसमें पार्वती थिरुवोथु और पशुपति मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कर्नाटक के कोलार जिले में एक सोने की खदान है। इसे कोलार गोल्ड फील्ड्स के नाम से जाना जाता है। तंगलान की कहानी इसी खदान में काम करने वाले मजदूरों के इर्द गिर्द घूमती है। नंबर चार, कैप्टन मिलर अरुण माथेश्वरन के निर्देशन में बनी कैप्टन मिलर में धनुष मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये एक एक्शन फिल्म है। इसमें धनुष के साथ शिवा राजकुमार, प्रियंका मोहन, निवेदिता सतीश, जॉन कोकेन और मूर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म जनवरी 2024 में रिलीज होगी। बात अगर फिल्म की कहानी की करें तो ये 1930-1940 के दशक की कहानी है जो एक मिलर नाम के खूंखार डाकू पर बनी है। चार, देवरा पार्ट वन। इस फिल्म में साउथ एक्टर्स के साथ बॉलीवुड के एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। इसका निर्देशन कोराताला शिवा ने किया है। जूनियर NTR की फिल्म का दर्शकों को काफी समय से इंतजार है। उनके साथ फिल्म में जाह्नवी कपूर, सैफ अली खान, प्रकाश राज मुख्य किरदार निभाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 2024 में अप्रैल के महीने में रिलीज हो सकती है। देवारा पार्ट वन एक एपिक एक्शन ड्रामा है। फिल्म में आपको कई ऐसी घटनाओं के बारे में दिखाया जाएगा जिससे आप इमोशनली कनेक्ट होंगे। नंबर फाइव, इंडियन टू। 1996 में आई फिल्म इंडियन सुपरहिट साबित हुई थी। इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था। अब इस फिल्म का पार्ट टू यानी इंडियन टू 27 साल बाद रिलीज होने जा रहा है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म में कमल हासन, नयनतारा, काजल अग्रवाल, सिद्धार्थ, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया भवानी शंकर समेत कई स्टार्स नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी तक मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिल्म एक सेनापति की कहानी है जो भ्रष्ट राजनेताओं को बेनकाब करने के लिए अपने देश वापस लौटता है
नंबर 6, कंगुआ VFX से भरपूर मशहूर एक्टर सूर्या की फिल्म कंगुआ भी 2024 में रिलीज होने जा रही है। फिल्म से सूर्या के फर्स्ट लुक को देखकर ही आप पूरी फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। फिल्म में DSP यानी देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक है। फिल्म का निर्देशन शिवा ने किया है। फिल्म में आपको सूर्या के साथ दिशा पाटनी और योगी बाबू भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, मलयालम समेत 10 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो 1698 में एक बीमारी से एक योद्धा की मौत हो जाती है। अब वर्तमान में एक लड़की उसी बीमारी का पता लगाने में जुटी है जिससे योद्धा की मौत हो गई थी। इनमें से आप किस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं, या अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।